हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे सब लोग। और इस वीडियो में हम ग्रैंड स्लैम 2023 के जो तीन हो चुके हैं उनके बारे में बात करेंगे। अभी सुबह ही हमने जो आज का करंट अफेयर किया है उसमें हमने विंबलडन ओपन का देखा था, क्योंकि अभी रिसेंटली ही ये मिला है, मतलब ये जो टूर्नामेंट है हुआ था और इसके अभी हमें विनर्स मिल चुके हैं, तो इसके बारे में हमने बात की थी। यहाँ पर साल के जो तीन हो चुके हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। US ओपन अभी नहीं हुआ है, तो इन तीनों को यहाँ पर देखते हैं। शुरू करेंगे सबसे पहले हम बेसिक चीज़ें जो हमेशा रिवाइज करते हैं वापस से कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल के स्टार्टिंग में होता है मिड जनवरी में, और US ओपन लास्ट में होता है अगस्त सितंबर में, और ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है, फिर बचते हैं दो, फ्रेंच ओपन। ये लास्ट में टू अर्ली जून होता है, क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और विंबलडन ओपन जून जुलाई के दौरान होता है और ग्रास कोर्ट पर इसको खेला जाता है। सबसे पुराना कौन सा है? तो ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है विंबलडन ओपन। यहाँ पर देख रहे हैं 1877 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर US ओपन की शुरुआत 1881 में हुई थी, फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ था 1891 में, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो साल के सबसे पहले होता है वो एंड में सबसे शुरू हुआ था 1905 में, इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ विंबलडन ओपन 2023। मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता? अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इन्होंने, आप पिक्चर में जो देख रहे हैं, पहली चीज़ तो सबके फेसेस याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि साल में चार बार ग्रैंड स्लैम टाइटल होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे होते रहते हैं, तो फेसेस याद कर लीजिए, याद करने में थोड़ी सी आसानी होगी। अब इनका ना ये पहला विंबलडन ओपन का टाइटल है और दूसरा ओवरऑल ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, तो नए ही हैं, और क्योंकि पहला ही इन्होंने अपना विंबलडन ओपन जीता है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है? कार्लोस अल्काराज हैं, और इन्होंने जीता है मेन सिंगल्स का टाइटल विंबलडन ओपन 2023 में। अब यहाँ पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। पहली चीज़ तो वर्ल्ड नंबर वन प्लेयर इस समय पर ये हैं, स्पेन के प्लेयर हैं कार्लोस अल्काराज, ठीक है। इनका मेडन विंबलडन टाइटल है, यानी कि पहली बार इन्होंने ये जीता है। अब अगर देखें किसको हराकर जीता है, तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, नोवाक जोकोविच को हराकर इन्होंने अपना ये टाइटल जीता है। नोवाक जोकोविच विंबलडन ओपन के ना 7 टाइटल्स जीत चुके हैं, ये अगर जीतते तो उनका 8वां होता और लगातार 5वां होता, ठीक है, पिछले 4 लगातार इन्होंने ही जीते हैं, तो लगातार में 5वां होता और ओवरऑल विंबलडन ओपन का टाइटल 8 होता, ठीक है, तो ये इनका रह गया। दूसरी चीज़ ये हुई कि अभी तक 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं नोवाक जोकोविच के पास में, अगर ये वाला जीत जाते तो इनके पास 24 टाइटल हो जाते, और अभी तक सबसे ज़्यादा 24 टाइटल सेरेना विलियम्स के पास हैं, तो वो जो एक हिस्ट्री क्रिएट करने से वो रह गए हैं ये वाला हार कर। अभी US ओपन के लिए वेट करना पड़ेगा, अगर उसमें जीतते हैं तो फिर इनके 24 हो जाएंगे, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए यहाँ पर। और एक और यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नोवाक जोकोविच, इनकी एज कितनी है? 36, और कार्लोस अल्काराज 20 ईयर्स ओल्ड हैं, ठीक है। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि ये तीसरे ऐसे प्लेयर हैं, यंगेस्ट प्लेयर, जिन्होंने विंबलडन ओपन का टाइटल जीता है, और साथ में काफ़ी लंबे टाइम बाद ऐसी हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि एज गैप इतना ज़्यादा है दो प्लेयर्स के बीच में, और फिर यंगेस्ट प्लेयर जो हैं, थर्ड यंगेस्ट प्लेयर ये बने हैं ये जीतने वाले, ठीक है। इनकी 36 है और इनकी 20 है, तो ये एज गैप ज़्यादा है 1972 और 76 इसके बाद से, अभी ऐसा हुआ है कि इतने ज़्यादा एज गैप के बीच में फिर यंगेस्ट एक प्लेयर हमारे सामने निकल कर आए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है नोवाक जोकोविच के टाइटल्स बताए हैं, 23 ग्रैंड स्लैम टाइटल हैं इनके पास फिलहाल, 7 विंबलडन हैं, 8 होने से रह गए हैं जो कि 10 ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल हैं, 3 फ्रेंच ओपन के हैं और 3 US ओपन के हैं, ठीक है। और वहीं हम बात कर लें कार्लोस अल्काराज की, तो इनका ये पहला विंबलडन टाइटल है, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है, हु वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ विंबलडन ओपन 2023। ये भी याद रखना है, जिससे मैंने करंट अफेयर में हमने यही क्वेश्चन डिस्कस किया था, और मैंने वहाँ पर भी बताया था कि ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि नया नाम ही है यहाँ पर भी, मार्केटा वोंडरोसोवा, इन्होंने जीता है वुमेन सिंगल्स का टाइटल विंबलडन ओपन 2023 में, ठीक है, ओन्स जैबोर को हराकर इन्होंने जीता है। कहाँ से ये बिलोंग करती हैं? चेक रिपब्लिक की प्लेयर हैं ओन्स जैबोर, ये ट्यूनिशिया की प्लेयर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 2023 विंबलडन ओपन मेन सिंगल्स, कार्लोस अल्काराज स्पेन के, नोवाक जोकोविच सर्बिया के, इनको हराकर जीते हैं। वुमेन सिंगल्स का टाइटल मार्केटा वोंडरोसोवा चेक रिपब्लिक की हैं, और इन्होंने किसे हराया है? ओन्स जैबोर को ट्यूनिशिया की। मेंस डबल्स का टाइटल ये किसने जीता? तो वेस्ले कुलोफ ने
नेदरलैंड्स के हैं और नील स्कूपसी ये ग्रेट ब्रिटेन से हैं। विमेन्स डबल्स का टाइटल जीता है से स्यू वेई ताइवान की और बारबोरा स्ट्रिकोवा ये चेक रिपब्लिक से हैं। और ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ये हमने पहले ही बात कर ली, और 136th एडिशन था इस बार। और विम्बल्डन ओपन ओल्डेस्ट टूर्नामेंट है, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पर फ्रेंच ओपन 2023 रिवाइज कर लेते हैं। तो ये तो तीन आपके सामने हैं ही, क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। हु वन द फ्रेंच ओपन 2023 मेंस सिंगल्स टाइटल, तो वही हैं जो अभी विंबलडन ओपन का हार गए हैं, नोवाक जोकोविच, ऑप्शन नंबर बी। इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था और ये जो फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता, इनका थर्ड फ्रेंच ओपन था। ठीक है, तो इसी के साथ हमने देखा इनके 23 ग्रैंड स्लैम हो गए थे, और हमने पीछे भी देखा था तीन बार ये फ्रेंच ओपन तो तीन बार यहाँ पर हो गया, तीन बार US ओपन भी ये जीत चुके हैं, और विंबलडन ओपन तो 7 बार जीता ही है, और 10 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि चारों टूर्नामेंट ये 3 बार तक, एटलीस्ट 3 बार जीत चुके हैं, है ना। 3 बार से कम एक भी टूर्नामेंट नहीं जीते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बात हो गई। नेक्स्ट है, हु वन द फ्रेंच ओपन 2023 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल, ये टाइटल किसने जीता था? फ्रेंच ओपन जीता इगा स्वाइटेक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर फिलहाल ये हैं इगा स्वाइटेक, पोलैंड से बिलोंग करती हैं। चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुशोवा को हरा कर ये जीती थी फाइनल पे, और इनका भी फ्रेंच ओपन का ये थर्ड टाइटल था। ठीक है, और ग्रैंड स्लैम जैसे नोवाक जोकोविच हमने देखा, उनकी उनका 23rd ग्रैंड स्लैम था फ्रेंच ओपन में, इनका फोर्थ है ना, इनके करियर का फोर्थ ग्रैंड स्लैम था फ्रेंच ओपन और थर्ड फ्रेंच ओपन था। ठीक है, आई होप कन्फ्यूजन नहीं होगी, समझ आ गई होंगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वन द फ्रेंच ओपन 2023 वुमेन्स डबल्स टाइटल, वुमेन्स डबल्स का टाइटल इसमें जीता था सी एस यू वेई और वांग शिन्यू, है ना। ये तो अभी भी है ऑस्ट्रेलियन ओपन, आई एम सॉरी विम्बल्डन ओपन जो अभी हुआ है उसमें भी, ये देखिए हमारा ही प्रमोशन हो रहा है नोटिफिकेशन के थ्रू भी। खैर, विम्बल्डन ओपन में भी अभी यही जीती हैं वुमेन्स डबल्स में, और इनके साथ में इस बार कौन है विम्बल्डन में, कौन है? बारबोरा है। फ्रेंच ओपन में वांग शिन्यू थी। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, बस ये नाम याद रखिए, इसमें तो कंट्री याद रख सकते हैं, ये तो हमने पीछे भी देखा था ताइवान से हैं, और वांग शिन्यू ये चाइना से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट मिक्स्ड डबल देखें फ्रेंच ओपन में, तो इसमें चैम्पियन थे मियू काटो जापान से और टिम पुड्स जर्मनी से, ये दोनों मिक्स डबल्स जीते हैं। रनर अप तो इसमें याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हु वन द फ्रेंच ओपन 2023 मेंस डबल्स टाइटल, मेंस डबल्स टाइटल और ये किसने जीता है? तो इवान डोडिक और ऑस्टिन प्राजसिक, बस नाम याद रख लीजिए इनका। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंच ओपन को, यहाँ रिवाइज कर लें तो चैंपियन नोवाक जोकोविच, रनर अप थे कैस्पर रूड, वुमेन्स में इगा स्वाइटेक, रनर अप कैरोलिना मुशोवा, मेंस डबल्स टाइटल इवान डोडिक और ऑस्टिन प्राजसिक, उसके बाद वुमेन डबल टाइटल जीता है सी ए सू वेई ने और वांग शिन्यू ने। क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और 127th एडिशन था इस बार 2023 में। नेक्स्ट आते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस सिंगल्स टाइटल, ये टाइटल भी जीता था नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, और इनका कौन सा ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल था? ये 10th था। याद आ रही हैं सारी चीज़ें, 7 विंबलडन ओपन जीत चुके हैं, 3 US और 3 फ्रेंच। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन कितने इनके पास? 10 हैं, तो 2023 में 10th ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल इन्होंने जीता था, और टोटल 23 ग्रैंड स्लैम इनके पास हैं। ठीक है, हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन्स सिंगल्स टाइटल, यहाँ पर आंसर होगा एरिना सेबेलेंका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। बेलारूस से बिलोंग करती हैं, किसे हराया था इन्होंने? एलेना रिबेकिना को हराया था, ये कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। इनका ये पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल था इन सिंगल्स इवेंट। ठीक है, इससे पहले ये वुमेन्स डबल्स का खिताब इन्होंने जीता था US ओपन 2019 में और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में सिंगल्स टाइटल इनका ये पहला था। ठीक है, अभी यहाँ पर देख लेते हैं, 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल जीते थे और वुमेन कैटेगरी में एशले बार्टी जीती थी, जो अब संन्यास ले चुकी हैं, रिटायरमेंट ले चुकी हैं। हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वुमेन्स डबल्स टाइटल, वुमेन्स डबल्स टाइटल इसमें जीता है बारबोरा क्रिजिकोवा और कैटरीना सिनियाकोवा ने, जापान की प्लेयर्स को हरा कर जीती हैं, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इट वॉज द 7th ग्रैंड स्लैम डबल्स टाइटल बाय द चेक पेयर। ठीक है, इनका 7th ग्रैंड स्लैम डबल्स का टाइटल था। लास्ट ईयर इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन, विम्बल्डन और US ओपन में डबल्स टाइटल इन दोनों ही प्लेयर्स ने जीता था, तो ये भी याद रखना है। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में मिक्स डबल्स का टाइटल किसने जीता?
लूजा स्टेफनी और राफेल मार्टोस ने जीता है, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के सानिया मिर्ज़ा और रोहन बोपन्ना को हराकर ये दोनों प्लेयर्स मिक्स्ड डबल्स का टाइटल जीते थे। ठीक है, हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मेंस डबल्स टाइटल? मेंस डबल्स का टाइटल जीते हैं जेसन कुबलर और रिंकी हैजिकाता, ऑस्ट्रेलिया के ये दोनों प्लेयर्स हैं। यहाँ पर 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक साथ रिवाइज कर लें चीज़ें, तो ये सब तो बातें हम कर चुके हैं। मेन सिंगल्स नोवाक जोकोविच, वुमेन्स सिंगल्स एरिना सेबेलिंका, मेन्स डबल्स रिंकी हैजिकाता और जेसन कुबलर, वुमेन्स डबल्स बारबोरा क्रिस्कोवा और कैटरीना सिनियाकोवा, और मिक्स डबल्स लूजा स्टेफनी और राफेल मैटोस जीते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है टेनिस प्लेयर्स जो भी हम देख रहे हैं उनकी कंट्रीज़ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। रोजर फेडरर स्विट्ज़रलैंड के हैं, नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं, स्टेफिनोस सित्सिपास ग्रीस से हैं, राफेल नडाल स्पेन के प्लेयर हैं, कार्लोस अल्काराज भी स्पेन से हैं, कैस्पर रूड नॉर्वे के हैं, डेनिल मेदवेदेव रशिया से बिलोंग करते हैं, अलेक्जेंडर ज्वेरेव ये जर्मनी के हैं, निक किर्गियोस ऑस्ट्रेलिया के, सुमित नागल और रोहन बोपन्ना दोनों भारत के प्लेयर्स हैं, एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया, इगर स्वाइटेक पोलैंड से हैं, एरिना सेबेलिंका बेलारूस से हैं, एलिना रिबिकिना ये कजाकिस्तान से हैं, ऑन्स जैब्यूर ट्यूनिशिया, कैरोलिन गार्सिया ये फ्रांस से हैं, कोको जियोफ यूएसए की, एमा रादुकानू ब्रिटेन की हैं, नाओमी ओसाका जापान की हैं, बारबोरा क्रिज़कोवा और कैरोलिना प्लिस्कोवा ये दोनों चेक रिपब्लिक के प्लेयर्स हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर 2022 के चैंपियंस दिए गए हैं, तो अगर एग्ज़ाम में पुराना भी पूछ लिया जाए तो आप एक बार सिर्फ चैंपियंस देख कर जाइएगा। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में राफेल नडाल और एशले बार्टी जीते थे, विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच एलेना रिबेकिना, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल इगा स्वाइतिक और यूएस ओपन कार्लोस अल्काराज और इगा स्वाइतिक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या नाम आया, कार्लोस अल्काराज, इसका मतलब है यूएस ओपन इनके, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, दो ग्रैंड स्लैम टाइटल है इनके पास, एक तो अभी फ्रेंच ओपन जीते हैं, दूसरा कौन सा है, यूएस ओपन 2022 में ही जीते थे सिंगल्स का टाइटल। ठीक है, अब ये लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए, हु इज़ द प्लेयर विद द मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल्स एट प्रेजेंट? ऑप्शन है रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच या फिर कार्लोस अल्काराज। आंसर कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में, और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।